सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसके पार्ट 13 में अपन ने पढ़ा क्लोरोफॉर्म का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। आज अपन पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, और साथ ही अपन पढ़ेंगे कि जो क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं वो शुद्ध बना कि नहीं बना है, उसकी जाँच कैसे करेंगे। तो टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण सिंपल से हैं, ये रंगहीन, मतलब इसका रंग कैसा है, कोई रंग नहीं है। मीठी गंध वाला, गंध कैसी है, मीठी, मतलब सूंघने से थोड़ा अच्छा फील होता है, मीठी गंध वाला द्रव है। भौतिक प्रावस्था कैसी है, द्रव प्रावस्था में यह सामान्य तापमान पे पाया जाता है। जल में आंशिक रूप से विलय है, मतलब पूर्णतः विलय नहीं है, आंशिक रूप से विलय है, तथा जल से भारी है। कल अपन ने जब इसका निर्माण भी देखा था प्रयोगशाला विधि में, तो अपन ने देखा कि इसको स्टोर कैसे करते हैं, इकट्ठा कैसे किया था अपन ने, जल में, और ये जल के पैंदे पे जाके इकट्ठा होता है, जल से भारी है। ज्यादा सूंघने से बेहोशी आती है, इसको अगर ज्यादा सूंघ लिया जाए तो बेहोशी आती है, बेहोश हो सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग बेहोश करने वाले अभिकर्मकों के रूप में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गुण हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब देखिए, अपन देखते हैं कि आपने जो क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया है वो शुद्ध है कि नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करें। टेस्ट ऑफ प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन नहीं, प्योरिटी, टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं। देखिए, क्लोरोफॉर्म है उसमें HCl की अशुद्धि पाई जाती है, अगर उसमें कोई अशुद्धि हुई तो HCl की अशुद्धि होगी। HCl है प्रकाश, है वायु, है उसकी उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से ये बनता है, या पहले जो अपन विधि काम में लेते हैं उससे HCl इसमें बन जाता है। तो अगर अशुद्धि है तो इसमें किसकी है, HCl की अशुद्धि है, और एक अशुद्धि और हो सकती है फोस्जीन की, जो अपन आगे देखेंगे। तो HCl की अशुद्धि का पता कैसे लगाएं, तो अगर क्लोरोफॉर्म के साथ आप AgNO3 मिलाते हैं तो अगर इसमें HCl की अशुद्धि हुई तो ये HCl AgNO3 से क्रिया करके AgCl प्लस HNO3 बनाएगा, और जो AgCl है उसका श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन आता है, व्हाइट PPT प्राप्त होती है। तो अगर इसमें HCl की अशुद्धि हुई तो AgNO3 के डालने से श्वेत अवक्षेप आएगा, और अगर इसमें HCl की अशुद्धि नहीं है तो क्लोरोफॉर्म के साथ AgNO3 श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। तो इस तरह से अपन HCl की अशुद्धि की जांच इसमें कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखें ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अत्यंत विषैली गैस का निर्माण करता है जिसे कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं या जिसका नाम फोजीन है। तो ये फोजीन का निर्माण करता है, बहुत ज़्यादा विषैली गैस है। देखिए कैसे, CaCl3 क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब ये फोटॉन्स है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, CoCl2 प्लस HCl। CoCl2 क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। जिसे फोजीन भी कहते हैं, ये पॉइजनस गैस है। अत्यंत विषैली गैस है, पॉइजनस गैस। इतनी ज्यादा विषैली कि इसको सूंघने से मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए अपन कहेंगे कि जो क्लोरोफॉर्म है वो उसकी अशुद्ध अवस्था, अगर अशुद्ध अवस्था को निश्चेतक के रूप में काम में ले लिया, अगर बेहोश करने में काम में ले लिया तो मृत्यु तक हो सकती है। तो निश्चेतक के रूप में सिर्फ शुद्ध क्लोरोफॉर्म ही काम में लिया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म से ये विषैली गैस ना बने तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं। प्रिकॉशंस क्या है कि देखिए अपने लैब में भी क्लोरोफॉर्म होता है, उसमें अगर फोजीन बन जाए तो कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस देखिए क्या क्या हैं, प्रिकॉशंस हैं क्लोरोफॉर्म के भंडारण में। अगर अपन लैब में या फिर कहीं भी क्लोरोफॉर्म रखते हैं तो उसको किस तरह से रखें, इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं, वो देखिएगा। इसे काले या रंगीन बोतल में रखते हैं जिस पर पेपर लिपटा होता है। इस तरह की बोतल में रखते हैं जिसे काले रंग की या किसी रंगीन बोतल में रखेंगे जिसके ऊपर पेपर लिपटा होता है, उससे क्या होगा, प्रकाश की किरणें हैं वो बोतल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। दूसरा, बोतल का ढक्कन एयर टाइट रखते हैं बोतल का ढक्कन भी इस तरह से अपन बंद करते हैं ताकि अगर थोड़ा ढीला रह गया तो उसमें वायु प्रवेश कर जाएगी और इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो बोतल का ढक्कन है वो भी कैसा होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए ताकि वायु अंदर प्रवेश नहीं करे और ये अभिक्रिया संपन्न ना हो। तीसरा, अगर मान लो किन्हीं कारणों से क्लोरोफॉर्म से फोजिन का निर्माण हो गया तो ये फोजिन को निष्क्रिय कैसे करें, हटाएं कैसे, तो इसके लिए इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। फोजिन को हटाने के लिए या फोजीन को अविषैला बनाने के लिए इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। उससे क्या होगा देखिएगा, ये क्या है, फोजीन CoCl2 फोजीन, और इसकी क्रिया किससे होगी, एथिल एल्कोहल से हो जाएगी। यह है एथिल एल्कोहल, यहां से HCl निकल जाएगा और ये HCl निकल जाएगा।
माइनस टू एच सी एल, ठीक है, क्या बना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये रह गया, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से भी जुड़ गया, तो ओ सी एस टू सी एस थ्री, और इधर भी ओ सी एस टू सी एस थ्री, ये है डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट, जिसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं C2H5 का होल ट्वाइस CO3, डाइएथिल कार्बोनेट का ये फॉर्मूला भी है। तो डाइएथिल कार्बोनेट है, ये विषैला नहीं है, तो अगर किन्हीं कारणों से फोजिन बन भी गया है तो देखिए भंडारण में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ में 1% एल्कोहल मिला देते हैं, तो अगर फोजिन बनेगा भी तो वो एथिल एल्कोहल से क्रिया करके अविषैला डाइएथिल कार्बोनेट बना लेता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अपन क्लोरोफॉर्म के भंडारण के समय काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अब अपचयन में भी अपचायक जो काम में लेते हैं वो क्या है, उसके आधार पर उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में अपन देख रहे हैं रिडक्शन, रिडक्शन में सबसे पहले देख रहे हैं जिंक HCl की उपस्थिति में, क्या होता है, आंशिक अपचयन होता है, आंशिक अपचयन, आंशिक अपचयन से देखिए क्या बनेगा, CsCl3 क्लोरोफॉर्म H2, और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, जिंक HCl, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था जिंक HCl एक अपचायक है, तो क्या बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl डाइक्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, सिंपल सा है। लेकिन अगर आप इसका अपचयन करवाते हैं जिंक H2O मतलब जल वाष्प की उपस्थिति में, जल वाष्प की उपस्थिति में, तो इसका पूर्ण अपचयन होता है, पूर्ण अपचयन में देखिएगा CsCl3 प्लस H2 किसकी उपस्थिति में, जिंक H2O, तो बनेगा CH4 प्लस 3HCl, यहाँ 2H2 लग गए, तो क्लोरोफॉर्म से क्या बना, मीथेन बन गया, क्लोरोफॉर्म से मीथेन बन जाता है। तो केमिस्ट्री का यही तो मजा है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, अभिक्रिया ही बदल जाती है, बनने वाले उत्पाद ही बदल जाते हैं। तो अपचयन में जिंक HCl की उपस्थिति में डाइक्लोरोमीथेन बनता है, आंशिक अपचयन होता है, और जिंक और जलवाष्प की उपस्थिति में पूर्ण अपचयन होता है और मीथेन का निर्माण होता है, Cl हैं वो सारे हट जाते हैं। तीसरी अभिक्रिया देखिएगा, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म की जब अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहल सॉरी क्षार की उपस्थिति में, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है जिसे अपन कहते हैं क्लोरीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन दोनों से मिलके क्लोरीटोन बनता है, और उसका उपयोग अपन करते हैं हिप्नोटिक एजेंट के रूप में, मतलब निद्राकारी के रूप में, नींद की गोलियों में उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें हैं जैसे फोजिन है या ये क्लोरीटोन है, ये सब इम्पोर्टेंट यौगिक हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है, तो आप इनको ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ नाम का भी एक चैप्टर है, उनमें ये चीज़ें वापिस आएंगी, रिपीट होंगी। तो देखिएगा
CH3 CO CH3 ये क्या है, एसीटोन है और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, CHCl3 से करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, मतलब क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। तो कार्बोनिल यौगिकों में आगे अपन पढ़ेंगे उसमें हमेशा कि देखिए क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। और क्लोरोफॉर्म में एच है वो प्लस के रूप में है, कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो कार्बन है वो तो 3 Cl के साथ कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। ये कार्बन कहाँ जुड़ेगा, कार्बन के ऊपर। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस के रूप में है। तो देखिए क्या बनेगा, ये 2 CH3 तो आपने पहले ही लगाए हुए हैं, इस ऑक्सीजन पे तो क्या जुड़ गया, H जुड़ गया और इस कार्बन पे CCl3 जुड़ गया। ये है क्लोरीटोन, क्योंकि किससे बना है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मध्य अभिक्रिया से बना है और इसका उपयोग करते हैं हिप्नोटिक के रूप में, मतलब निद्राकारी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, नींद की गोलियों में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ, HNO3 के साथ क्या बनाता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है, डी। HNO3 के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया में देखिए क्या बनेगा, HNO3 को मैं ऐसे लिख दूं, ये है CHCl3, ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 Cl जुड़े हुए हैं। और HNO3 को मैं लिख दूं HONO2, ये नाइट्रिक एसिड है। तो यहां से देखिए क्या निकला, H2O माइनस H2O, H2O का निष्कासन हो जाता है और बना CCl3NO2। और ये H2O तो अपने यहां से निकाल ही दिया, CCl3NO2 को कहते हैं क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन जो एक कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग वार गैस के रूप में भी करते हैं, युद्धों में इस गैस का उपयोग करते हैं, फोजिन है उसका उपयोग भी वार गैस के रूप में किया जा सकता है और क्लोरोपिक्रिन है इसका उपयोग भी वार गैस के रूप में करते हैं। बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या है, क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला लिखिए, तो यह है क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट देखिएगा, जल अपघटन, जल अपघटन, अपन ने एल्किल हैलाइड में देखा है कि CX बंध का जल अपघटन, मतलब कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बंध है उसका जल अपघटन किसकी उपस्थिति में करते हैं, एक्वस KOH की उपस्थिति में करते हैं। अगर एक्वस KOH की जगह आपने किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से करा दी तो उससे हो जाता है वी हाइड्रोहैलोजनीकरण, मतलब विलोपन अभिक्रिया हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो जल अपघटन किससे करवाएंगे, अपन एक्वस KOH के साथ करवाते हैं, बाय एक्वस KOH, एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए कैसे, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, एक्वस KOH के साथ करवा रहे हैं, मतलब इसका जल अपघटन करेंगे। तो जल के कितने अणु लगेंगे, क्लोरोफॉर्म के एक अणु के साथ जल के 3 अणु लगेंगे। तो यहां से देखिए क्या निकलेगा, HCl
HCl, तो माइनस 3HCl निकल गए, ठीक है, और क्या बन गया HC, तीन OH की जगह आ गया तीन Cl की जगह क्या आ गया तीन OH आ गया। अब देखिए ये अभिक्रिया हो रही है, यहां से तीन KOH लगेंगे और तीन HCl से क्रिया कर लेंगे, क्योंकि HCl तो अम्ल है और KOH है वो क्षार है, तो साथ में देखिए क्या बनेगा 3KCl प्लस 3H2O, इनमें अभिक्रिया हो जाएगी। तो जो H2O यहां पे देखिए लगा वो वापस निकल गया, तो इसका मतलब यहां से H2O नहीं निकलेगा, सिर्फ क्या निकलेगा 3KCl इसमें निकलेगा, क्योंकि H2O तो यहां पे तीन लग गए ना, तो तीन लग गए उधर तीन बन रहे हैं, इसका मतलब जल के अणुओं की संख्या में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। अब ये जो उत्पाद बना इसमें इस कार्बन पे तीन OH समूह जुड़े हुए हैं, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्थाई नहीं होता है, ये अपन चर्चा करते आ रहे हैं शुरू से ही। तो देखिए क्या होगा, यहां जल का अणु निकल जाएगा, H और OH निकल जाएगा, तो ये जो ऑक्सीजन बचा जिससे H निकला है ये डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ जाएगा और ये OH यूं का यूं बचा रह जाएगा। तो देखिए HC ये वाला भाग मैंने लिख दिया, डबल बॉन्ड O ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और ये OH यूं का यूं जुड़ा रह जाएगा, तो क्या बन गया फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से आप क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड भी बना सकते हैं। जब अपन ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण में ये विधि वापिस आएगी कि क्लोरोफॉर्म से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे, फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो जल अपघटन के द्वारा फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं। तो ये थी क्लोरोफॉर्म के कुछ रासायनिक गुण, बाकी बचे हुए रासायनिक गुण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।